సెప్టెంబర్ 17 ను జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవంగా జరపాలని ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు ఆయన లేఖ కూడా రాశారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన 8 ఏళ్లలో సెప్టెంబర్ 17 ను ఎందుకు అధికారికంగా నిర్వహించలేదని ప్రశ్నించారు. సెప్టెంబర్ 17న ఓల్ సిటీలో భారీ తిరంగా ర్యాలీ చేపడతామన్నారు ఓవైసీ. తెలంగాణ విమోచనం కోసం హిందూ ముస్లింలు కలిసి పోరాడారన్నారు ఓవైసీ. हैं कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह तय किया है कि 17 सितंबर के दिन वो तेलंगाना में इसको लिबरेशन डे के नाम से मनाने जा रहे हैं. बाज़ाब्ता एक ऑफिशियल फंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है. तो इस सिलसिले में एमआईएम पार्टी का स्टैंड ये है कि हमने हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट तरफ से मैं 2 लेटर्स लिखा हूँ होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह के नाम पे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव के नाम पर. इन दोनों लेटर्स में हमने होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से इस बात का मुतालबा किया, जो भारत सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि लिबरेशन डे मनाया जाएगा, हम भारत सरकार से और गृह मंत्री से, हम होम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाए. सितंबर 17 को नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाए और साथ ही साथ हम होम मिनिस्टर को लेटर में बता रहे हैं क्यों नेशनल इंटीग्रेशन डे बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन अंग्रेज़ों के कॉलोनियलिज्म और निज़ाम की ऑटोक्रेटिक हुकूमत का उस दिन खात्मा भी हुआ है. तो ये जब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे तो ये ज़रूरी है कि इसमें मौलवी अलाउद्दीन तुरेबाज खान और शोएबुल्ला खान और यहाँ की जनता की जो जद्दोजहद क़ुरबानी उसको माना जाए. और उसमें हम ये बता रहे हैं इस ख़त में होम मिनिस्टर को कि अर्सवाइल स्टेट ऑफ हैदराबाद के हिंदू और मुसलमानों ने एक यूनाइटेड इंडिया, एक सेकुलर जमहूरी इंडिया के लिए कोशिश की और इसका जिक्र भी पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है. और पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, उनकी इजाज़त से ये सुंदरलाल खाजी अब्दुल गफ्फार यहाँ पर आए थे और उस वक्त के हैदराबाद स्टेट का पूरा दौरा किया. उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वायलेंस भी हुआ था मुसलमानों के खिलाफ और रिपोर्ट हम आपको भी देंगे और होम मिनिस्टर साहब को रवाना कर चुके हैं. यकीनन हैदराबाद स्टेट आज़ाद हुआ कॉलोनियलिज्म से, फेडरलिज्म से, तो इसको सिर्फ लिबरेशन का नाम देना ये गलत होगा, बल्कि इसको कौमी यकजहती का दिन के तौर पर मनाना चाहिए. और हमने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से ये मुतालबा किया है कि चंद्रशेखर राव साहब वुमेंस कॉलेज कोठी के पास, जो ब्रिटिश रेजिडेंसी के खिलाफ उस वक्त 17 जुलाई को मौलवी अलाउद्दीन और तुरेबाज खान ने एक अजीम जिहाद किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसमें मौलवी अलाउद्दीन काला पानी के पहले कैदी थे, 30 साल वहीं पर गुजारे, वहीं पर उनका इंतकाल हुआ. काला और तुरेबाज खान को तूपरान के पास गोली मारकर, मौजूदा तूपरान के पास गोली मारकर उनकी लाश को सुल्तान बाज़ार पर कई दिन तक लटकाया गया था. तो हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार 17 सितंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाएगी, कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाएगी और 16 सितंबर के दिन 2 बजे ईदगाह मीरालम के पास हम तमाम लोग, हमारे पार्टी के जिम्मेदार MLAs, हम सब जमा होकर एक मोटरसाइकिल या रैली की शक्ल में हम लोग वहाँ से निकलकर हम लोग तीगलकुंटा को जाएंगे, जिसको हमने तिरंगा यात्रा का नाम दिया है. वहाँ पर तिरंगा लहराया जाएगा तीगलकुंटा में और वहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग होगी कौमी यकजहती के दिन के ताल्लुक से.
जनता चाहती थी कि भारत का हिस्सा बने और वो हुआ उस दिन, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जितने प्रिंसली स्टेट्स थे, चाहे ग्वालियर के हों या जहाँ कहीं भी हो, वो सब लोग फ्यूडल ऑटोक्रेटिक थे। तो रजाकार जो मूवमेंट हुआ था उसके भी खिलाफ आप बोलेंगे सर? तो जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे, आपके सवाल का जवाब दे रहे नहीं, कौमी यकजहती के दिन के नाम पे हम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल रैली जाएगी मस्जिद अबू बकर जो मीरालम के मेन रोड पर है, वहाँ पर हम तमाम लोग जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे और वहाँ से पूरे MIM के MLAs, कॉरपोरेटर्स, MLC मैं भी रहूँगा, सब लोग जो है मोटरसाइकिल या रैली की शक्ल में तिरंगा यात्रा निकाल कर तीगलकुंटा में जाएंगे। तीगलकुंटा में नेशनल फ्लैग को लहराया जाएगा और उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग होगी। आप एक प्रूफ बता दीजिए, एक प्रूफ बताइए जहाँ पे हम अपोज करें। सबसे पहली बात यह है कि कोई MIM का लीडर अपोज किया क्या? सेलिब्रिटी, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए हम आपको ये बात कर रहे हैं कि आप हैदराबाद की तारीख को आपको जानना पड़ेगा और हैदराबाद की तारीख में पंडित सुंदरलाल खाजी अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट भी है और ये आपका सवाल बिल्कुल गलत है। कौन सा शख्स है जो खुश नहीं है कि हम भारत का हिस्सा हैं? जिसको पसंद नहीं था वो मुल्क छोड़ के चले गए, जिसको इस सरजमीन से मोहब्बत थी, है और रहेगी, वो यहाँ पर है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली मरतबा फंक्शन मना रही, नहीं मना रही है। एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 साल से मोदी की सरकार है ना। अब आप लोग मोहब्बत में हमारे से पूछ रहे, उनसे भी तो पूछो, 8 साल सो रहे थे क्या? तो इसीलिए हम होम मिनिस्टर अमित शाह और चीफ मिनिस्टर दोनों को कह रहे हैं कि आप इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाइए, सेलिब्रेशन करिए, MIM पार्टी भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी और हम अपना फंक्शन कर रहे हैं, वही सेलिब्रेशन का हम लोग जुमे की नमाज के बाद कर रहे हैं। नाउ यू सी द होम मिनिस्टर कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ मी, आई एम वेरी मच कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी, आई डोंट रिक्वायर द होम मिनिस्टर टू स्पीक फॉर मी, ही माइट बी कॉम्पिटेंट फॉर हिज पार्टी, let him speak for his own party.